हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है रोस्ट या टोस्ट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने उमेरता। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के ऊपर यूं तो ढेरों बायोपिक बने हैं, जैसे गांधी, नेहरू, नेल्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, लिंकन, यहां तक कि बड़े बड़े डिक्टेटर्स के ऊपर बनी हैं, जैसे लेनिन या माओ या चंगेज खान। बड़े बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर बने हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर हो गया। यहां तक कि गैंगस्टर्स के बायोपिक भी बने हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का शायद ही कभी कोई बायोपिक बना हो। तो उमेरता एक ऐसे ही ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट अहमद उमर सईद शेख का बायोपिक है। तो आज हम इसी उमेरता के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि उमेरता का बेसिक मतलब क्या होता है। उमेरता का मतलब है बेसिक कोड ऑफ साइलेंस या कोड ऑफ ऑनर। इसका यह मतलब होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है या आपके साथ कोई जुल्म हो जाता है, तो आप किसी भी हालत में सरकार या अथॉरिटी के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आप अपना बदला खुद से लेंगे। अगर आप में खुद में बदला लेने की ताकत नहीं है, तो आप अपनी ही सोसाइटी में से किसी एक ऐसे ताकतवर शख्स को ढूंढेंगे, बेसिकली उसकी पैटर्न बनाकर उसको वो आपकी तरफ से बदला लेगा। इस उमेरता का एक और मतलब भी है कि अगर आपके आसपास कहीं कोई गैरकानूनी काम हो रहा है, तो आप किसी भी हालत में उसकी खबर या सूचना पुलिस या अधिकारियों को नहीं देंगे। ये बेसिकली इटालियन और सिसिलियन माफिया में यूज किया जाने वाला शब्द है। तो इसका इसी तरह इसको इसी सेंस में कोड ऑफ साइलेंस या कोड ऑफ ऑनर कहा जाता है। तो जो भी अगर सरकार या अथॉरिटी के पास जाने की कोशिश करता है, भले ही अपने ऊपर हुए जुर्म के बारे में ही क्यों ना हो, उसे एक गद्दार या एक स्निच करके करार कर दिया जाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म का नाम उमेरता क्यों रखा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अहमद उमर सईद शेख है, ये जस्टिस फॉर बोस्नियक्स का बैनर लेके खड़ा हुआ है। ये बेसिकली 92-93 का टाइम है, जिस टाइम पे अहमद उमर सईद शेख लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करता था। तो उस टाइम पे बोस्निया में सिविल वॉर चल रहा था, बोस्नियन सर्ब और बोस्नियन मुसलमानों के बीच में, जिसमें हजारों की तादाद में बोस्नियन मुसलमान मारे गए थे। ये कहा जाता है कि अहमद उमर सईद शेख उसी टाइम पर एक इस्लामिक एड मिशन में वॉलंटियर के तौर पर बोस्निया गया था, जहां पर उसका रेडिकलाइजेशन हो गया या जहां पर वो एक इस्लामी एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ गया। लेकिन एक दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट और जनरल हैं, उन्होंने अपनी एक बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है कि अहमद उमर सईद शेख जो है वो ब्रिटिश स्पाई एजेंसी MI6 का एजेंट था, जो कि जब बोस्निया उन्हीं के किसी मिशन पर गया था, लेकिन वहां जाने के बाद वो या तो डबल एजेंट बन गया या फिर वो एक रोग एजेंट बन गया। ट्रेनिंग का ठीक इस्तेमाल करके हमारे जिहाद को अपनी मंजिल तक ले जाना है इंशाल्लाह। यहां पर एक मिनट में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जो अभी हमने ये देखा कि यहां पर ये आप देख सकते हैं कि अहमद उमर सईद शेख की टेबल पर ये द बिलीवर बुक रखी हुई है। ये बेसिकली यहां पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये जो द बिलीवर बुक है, ये विलियम मैकेंट्स की लिखी हुई बुक है, जिसमें उन्होंने जो आईसिस का चीफ है बगदादी, उसके ऊपर ये बुक लिखी है कि कैसे एक फुटबॉल को जानने वाला या PhD जो स्कॉलर था, वो कैसे एक दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाता है और एक स्वयंभू में खलीफा बन जाता है। लेकिन यह थोड़ा सा मुझे टाइमलाइन में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये बुक जो पब्लिश हुई थी, ये 2015 में पब्लिश हुई थी। ये आज भी अमेजन पर आसानी से अवेलेबल है। लेकिन जिस वक्त ये बुक पब्लिश हुई थी, उस वक्त अहमद सईद शेख जो था वो कराची की जेल में बंद था। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि बुक उसकी टेबल पे रखी है और वो कुछ मैप में ड्रॉ कर रहा है। तो बेसिकली ये इम्प्लीकेशन ये दिया जा रहा है कि शायद अहमद उमर सईद शेख जो है वो फ्री है या आज़ाद है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि डायरेक्टर ने किस कंटेक्स्ट में जो है इस बुक को यूज़ किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक विजुअल या एक सीनिक इफेक्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस बुक का यूज़ किया गया है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये शायद दिल्ली के सदर बाजार का या फिर एक दिल्ली के खारी बावली का सीन हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है और होलसेल का काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि इस तरह के जो मार्केट हैं वो वहीं पर हैं। सलाम डॉक्टर साहब। नाम क्या है? रोहित। रोहित, रोहित बात। यहाँ पर आपने देखा, जैसे इसने अभी एक रोहित वर्मा अपना नाम बताया। ये बेसिकली एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। 1994 में अहमद उमर सईद शेख ने यूरोपियन और एक अमेरिकन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया था, और जो उनको किडनैप किया था वहाँ पर उसने अपना इंट्रोडक्शन उनको रोहित शर्मा के नाम से ही दिया था। तो उनको एक बरगला के या फुसला के ही जो है वो उनको अपने साथ किडनैप करके लेके आया था। तो मे बी पॉसिबल है कि शायद ये उसी सीन का फिल्मांकन है। Thank you.
ये शायद इसकी अफगानिस्तान या जो पीओके है वहां पर जो इसकी टेररिस्ट में ट्रेनिंग वगैरह हुई है, ये उसका सीन है। एक मिनट, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि आप जो ये देख सकते हैं, ये अहमद उमर शहीद शेख जो है ये बेसिकली किसी मैप के ऊपर इशारा कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये मैप दिल्ली का मैप है। आप इससे, ये दिल्ली का मैप हम इससे पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ काफी सारी लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे आप ये देखिए GK1, लाजपत नगर, ये सारी दिल्ली की ही कॉलोनीज हैं, या आप अजमेरी गेट वगैरह देख सकते हैं। अब मे बी पॉसिबल है कि दिल्ली में जो अहमद उमर शहीद शेख ने जो दिल्ली में एक कारनामा अंजाम दिया था, वो वही था जो 1994 में यूरोपियन टूरिस्ट को किडनैप किया गया था। वो बेसिकली किया कश्मीर पॉज के नाम पर था, जिसमें उनको किडनैप करने के बदले में ये डिमांड रखी गई थी कि जेल से 10 टेररिस्टों को छोड़ दिया जाए। ये कुछ कुछ वैसी ही डिमांड थी जैसे 1999 में जो कंधार हाईजैक के टाइम पे हुआ था। तो बस कंधार हाईजैक में डिफरेंस ये था कि यहाँ पर अहमद उमर शहीद शेख ने खुद किसी और को किडनैप किया हुआ है 10 टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, और कंधार हाईजैक में हुआ ये था कि अहमद उमर शहीद शेख को ही छुड़वाने के लिए वो प्लेन हाईजैक किया गया था, वो खुद ही इंडिया की जान जेल में बंद था। आई प्रॉमिस यू हमारे शहीद भाइयों की कुर्बानी जाया नहीं होने दूंगा। एक एक खून के कतरे का हिसाब देना होगा हिंदुस्तान को। एक और चीज जो अभी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ये जहां से ये निकल रहा है, ये भी ये शायद वही तीन या चार जो मैंने अभी आपको बताया 94 किडनैपिंग्स के जो चार अमेरिकन टूरिस्ट थे, बेसिकली तीन यूरोपियन थे एक अमेरिकन था, तो ये वही का ये सीन शायद कुतुब मीनार का है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का है। हालांकि ये कुतुब मीनार नहीं है, ये कुतुब मीनार के ही साथ में बनी हुई एक अलाई मीनार है। ये हम अलाई मीनार इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवानी शुरू करी थी, वो कुतुब मीनार से भी दुगनी बड़ी और दुगनी चौड़ी मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन उसकी एक ही फ्लोर बन पाई थी, उसके बाद वो मर गया, तो उसके बाद उसके आगे आने वाले किसी भी जनरेशन ने उस मीनार को कंप्लीट नहीं किया, तो मीनार वैसी ही अधूरी की अधूरी बनी खड़ी है। ये शायद वहीं का सीन है ये। अच्छा, ये डेनियल पॉज। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया गया है, ये मे बी पॉसिबल है शायद डेनियल पर्ल ही है, क्योंकि ये 2002 में अहमद उमर शहीद शेख का नाम आया था डेनियल पर्ल को किडनैप करने के बदले में। कैनेडियन जर्नलिस्ट था जिसको कि बाद में मर्डर कर दिया गया था। हालांकि कहा यह जाता है कि अहमद उमर शहीद शेख उसमें मारना नहीं चाहता था, लेकिन बात उसके कंट्रोल में नहीं रही थी, तो ये मे बी पॉसिबल है वही डेनियल पर्ल किडनैपिंग वाला सीन है। ये जो सीन है ये हम देख सकते हैं, ये जैसे पुलिस से बचकर भाग रहा है, तो ये शायद 99, ये क्योंकि ये बेसिकली इंडियन पुलिस है। अब ये इंडियन पुलिस ने अहमद उमर शेख को एक ही बार किडनैप अरेस्ट किया था, जो कि 94 में ही किया था, ये शायद तभी का सीन हो सकता है। यहाँ पर ये जो आपने अभी सीन देखा, ये पूरी दुनिया इस सीन को पहचानती है, 9/11 के ट्विन टावर्स को सीन है, जहां पर दो प्लेन हाईजैक करके उनसे टकरा दिया गया था और वो ट्विन टावर ध्वस्त हो गए थे, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसके में भी उमर शहीद शेख की इन्वॉल्वमेंट कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो पांच टेररिस्ट थे, पांच या आठ जो टेररिस्ट थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करके किडनैप करके उसको ट्विन टावर या पेंटागन में गिराया था, उनको जो फंडिंग करी थी, उनको जो फंड ट्रांसफर किया गया था, वो अहमद उमर शहीद शेख ने ही किया था। तो इसलिए इस इंसिडेंट में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। अच्छा, एक चीज आप अभी थोड़ा सा पीछे देख सकते हैं, ये जो आप पीछे सीन देख रहे हैं, ये बेसिकली 2008 के नवंबर अटैक्स का सीन है, जहां पर आप पीछे, ये शायद बॉम्बे का आइकॉनिक ताज होटल है, उसी पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसी का ये सीन है। तो इस अटैक का मास्टरमाइंड भी अहमद उमर शहीद शेख को ही माना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बेशक उमर शहीद शेख एक पुलिस वैन में जा रहा है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी स्माइल है, और एक स्माइल ये ऐसी है जैसे एक जीत की जो खुशी होती है। अब पुलिस की कैद में होने के बावजूद जीत की खुशी दो ही सूरत में आती है, कि या तो आपका कोई मकसद पूरा हो गया हो या फिर आपकी रिहाई होने वाली हो। तो ये सीन शायद ये तब का हो सकता है कि जब इंडिया के प्लेन हाईजैक किया गया था, तो जो चार टेररिस्टों को छोड़ने की डिमांड रखी गई थी और भारत ने छोड़े भी थे, उन चार में से एक टेररिस्ट यही था, तो शायद इसको जब छोड़ के वापस ले जाया जा रहा है, तो एक कहते हैं ना विक्ट्री की स्माइल आती है कि देखो मैंने सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम मजबूर हो मेरे को छोड़ने के लिए,
ये शायद एक तिरस्कार है, एक तरीके से तंज है, एक तरीके से मजाक उड़ाने वाली और एक अपनी जीत वाली स्माइल एक तरीके से रखती है। उमर सईद शेख जो है बेसिकली दुनिया के सबसे शातिर टेररिस्ट में से एक माना जाता है। तो उसके शातिरपन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब 2008 में इंडिया के मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके बाद पूरे इंडिया में अफरा तफरी का माहौल था। तो उसने उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया, भारत के उस टाइम के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी बनकर, कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो इससे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई और पाकिस्तान में रातों रात फाइटर प्लेन्स और आर्मी को इकट्ठा किया गया लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर। तुरंत एक लाइव एम्यूनिशन के साथ फाइटर प्लेन्स उड़ान भरने लगे थे। उसी तरीके से फिर उसने कोशिश करी थी कि भारत के राष्ट्र जो प्रधान सॉरी माफ कीजिएगा जो भारत के उस टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी है, उनको कॉल किया जरदारी बनकर। और एक दूसरा कॉल उसने किया उस टाइम पे अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलिंजा राइस को प्रणब मुखर्जी बनकर। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो बात के जो दोनों कॉल हैं वो पूरे नहीं हो पाए थे, नहीं तो उसने सिर्फ फोन कॉल के जरिए ही दो मुल्कों में वॉर की सी स्थिति पैदा कर दी थी। और अब को यकीन नहीं होगा कि ये जो तीनों कॉल उसने किए थे ये कराची की जेल में बैठे बैठे ही किए थे। इसके बाद पुलिस को जब पता लगा कि ये ट्रेस किया गया कॉल को कि ये कॉल कहाँ से हो रहे हैं, तो कराची की जेल पर रेड मारी गई। तो वहां से उसके काफी सारे इंटरनेशनल सिम कार्ड्स, इंटरनेशनल फोन्स जो है उसके बरामद किए गए। तो दोस्तों ये था मेरा उमेरता का शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन। आपके जो भी कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट नीचे जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।